हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस स्टफ्ड मालपुए की रेसिपी। जी हाँ, मालपुए तो हर किसी का फेवरेट होता है, तो थोड़े से ट्विस्ट के साथ मैं लाई हूँ स्टफ्ड मालपुए की रेसिपी। बिना चाशनी का ये मालपुआ ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मजेदार बनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में गरम दूध डालेंगे और उसमें मिला देंगे आधा कप चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। मैंने यहाँ एक गिलास दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो थोड़े से दूध में पूरी चीनी को डिसॉल्व कर ले और उससे बैटर बनाए, और जरूरत पड़ने पे और दूध ऐड कर ले। अब एक बड़े से बर्तन में हम डालेंगे आधा कप से ज्यादा मैदा, लगभग 3/4 कप, और 1/4 कप बारीक वाली सूजी। थोड़ा सा क्रश की हुई इलायची डालेंगे। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप सौंफ या सौंफ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। दूध को एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है और इस तरह से मिलाते रहना है ताकि कोई गुठली या लम्स न पड़े। इस तरह से सारा दूध हमने डाल दिया है। बैटर हमारा तैयार है। इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि पुआ हमारा अच्छा बने। तो इसे अब हम 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो आप कम से कम 20 मिनट का इसे रेस्ट जरूर दे दें ताकि जो हमने सूजी वगैरह डाला है वो अच्छे से फूल जाए और पुआ अच्छा बने। तो 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए, बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस तरह से ये गिराने पे रिबन की तरह इसमें प्लेट्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पुआ का बैटर हमारा तैयार है। स्टफिंग के लिए हम यूज करेंगे गाजर का हलवा, जिसे मैंने बनाने के बाद 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि वो अच्छे से सेट हो गया है। इस तरह से इसमें बाइंडिंग भी अच्छी आ गई है। इस गाजर के हलवे को मैंने बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करके बनाया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल में ऑलरेडी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल घी टपकता हुआ गाजर का हलवा इस रेसिपी के लिए हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे टिक्की की तरह हम इन हलवा को बना लेंगे। जब भी आपको पुआ बनानी हो, आप गाजर का हलवा एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख दे और नेक्स्ट डे बैटर तैयार करें और गर्मा गर्म पुआ तैयार करें। तो इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियां मैंने बना ली हैं। तो अब हम इस टिक्कियों को इस करछी में इस तरह से रखेंगे और अच्छे से बैटर में इस तरह से डिप करते हुए थोड़ा सा बैटर हम करछी में उठा लेंगे और गर्म तेल में इस तरह से धीरे से हम इस तरह से छोड़ देंगे। लगातार इसके ऊपर गरम तेल हम इस तरह से डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने कढ़ाई में बहुत ज़्यादा घी या तेल नहीं लिया है। कढ़ाई भर के हमें ऑयल नहीं लेना है। आप चाहे तो घी में या फिर ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा कलर आ जाए, जितना कलर आपको पसंद हो। बहुत लोगों को बिल्कुल डार्क ब्राउन पसंद आता है, तो जैसा आपको कलर पसंद हो उस तरह से कलर आ जाए तो फिर हम इसे इस तरह से
छन्नी पे निकाल लेंगे और इसे बहुत जोर से दबाना नहीं है, बस अपने आप जितना तेल टपक जाए उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे पुओ को हम इस तरह से बनाएंगे, करछी में लेके डिप करके और फिर गरम तेल में छोड़ देंगे। तेल गरम होना चाहिए, लेकिन पुआ डालने के बाद आप फ्लेम को मीडियम पे कर दें। इस तरह से गरम तेल डालते जाएं ऊपर, और जब किनारे हल्के से आपको ब्राउन दिखने लगे तब आप पुआ को पलट दें। आप एक साथ दो या तीन पुआ भी छान सकते हैं, जितना आप मैनेज कर लें। ये पुआ गर्मा गर्म जितनी मजेदार लगती है, ठंडा होने के बाद भी उतनी ही मजेदार लगती है। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहती है, तो आप एक बार इसे बनाकर ट्राई जरूर करें। शुरुआत में आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, लेकिन एक बार इसे बनाकर जरूर देखें, आपको पसंद जरूर आएगी। तो तैयार है हमारा स्टफ्ड मालपुआ, बिल्कुल ऊपर से करारी और अंदर से सॉफ्ट और मजेदार। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।